आईपीएल का 2400 मैच राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर राजस्थान को बैटिंग करने के लिए बुलाया। राजस्थान के लिए जयसवाल और जोश बटलर ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। इसके बाद में संजू सैमसंग ने पारी को संभाला और सैमसंग ने दो छक्कों की मदद से 38 गेंदों में 68 रन की पारी खेली। इसके साथ ही रियान प्राग ने भी सैमसंग का साथ दिया और रियान प्राग ने इस मैच में 5 छक्कों की मदद से 48 गेंदों में 76 रन की पारी खेली। इन दोनों की पारी के चलते राजस्थान की टीम ने पहली पारी में 20 ओवर में 196 रन बनाए। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 197 रनों के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए गुजरात की ओर से साई सुदर्शन और शुभम गिल ने पारी की शुरुआत करी। दोनों ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी। साई सुदर्शन ने 29 बॉलों में 35 रन की पारी खेली। इसके साथ ही शुभम गिल ने भी 44 गेंदों में 72 रन जरूर बनाए, लेकिन शुभम गिल भी एक टाइम पे आउट हो गए। और शुभम गिल के आउट होने के बाद में गुजरात टीम यह मैच हारते हुए लग रही थी, लेकिन राशिद खान ने मैदान पे कदम रखा और राशिद खान ने यह मैच गुजरात की ओर मोड़ दिया। राशिद ने अंतिम ओवरों में 11 गेंदों में 24 रन की पारी खेली और इसके साथ ही जब गुजरात को अंतिम बॉल पे 2 रन की जरूरत थी, तब राशिद खान ने चौका मार के टीम को जीत दिलाई। राशिद खान की ऐसी पारी की बदौलत राशिद खान को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया और यह मैच गुजरात टीम ने 3 विकेट से अपना नाम कर लिया। राजस्थान की ओर से कुलदीप सेन ने भी इस मैच में 3 विकेट जरूर झटके, लेकिन राजस्थान की टीम को जीत नहीं दिला सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।